এবার আপনাদের দেখাবো গাজিয়াবাদে প্রিয়াঙ্কা রোড শো, একেবারে উপচে পড়া ভিড়। আমরা দেখবো সরাসরি প্রিয়াঙ্কা রোড শোর ছবি। গাজিয়াবাদে কংগ্রেস প্রার্থী ডলি শর্মার সমর্থনে এই মুহূর্তে রোড শো করছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। कोशिश की जा रही है कि इनको विजयी बनाए। बेहद उत्साहित जो कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो हाथ का जो झंडे हैं वो लेकर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी की छत पर जो रूफ विंडो होती है उससे प्रियंका गांधी और साथ में जो डॉली शर्मा है वो बाहर निकले हुए हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ, एसपीजी के साथ। प्रियंका गांधी यहाँ पर गाजियाबाद पहुंची है। आपको बता दें ये जो पूरा का पूरा रोड शो है ये आगे राम रोड की तरफ जाएगा, वहां से जतवाड़ा होते हुए मालीवाड़ा चौक पर खत्म हो जाएगा। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा जो रोड शो है वो रखा गया है। अगर मैं अपने कैमरे की नजर से आपको समर्थक दिखाऊं तो हालांकि खुद प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची है तो जो कार्यकर्ता है उनमें जोश यहां पर दिखना लाजमी है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहां नहीं पहुंचे। अगर शुरुआत से यहां पीछे की तरफ अगर हमारे कैमरामैन इधर पीछे की तरफ कैमरा और पैन करे तो करीब 500 की संख्या होगी, बहुत ज़्यादा कर 1000 जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं वो इस रोड शो में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो ये रोड शो है करीब 2 किलोमीटर लंबा आगे जाएगा। अभिनंदन लोगों का स्वीकार करते हुए एक जोश जो कार्यकर्ता है उनमें दिख रहा है, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी इस रोड शो को कर रही है। और लोगों से बस यही अपील कि डॉली शर्मा को जिताए। देखना ये होगा कि क्या प्रियंका का जादू गाजियाबाद की सीट पर काम करेगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पर इलेक्शन हुए जिसमें एक बार राजनाथ सिंह की जीत हुई थी और उसके बाद जो जनरल वीके सिंह थे वो यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में जीते थे। और अब की बार भी बीजेपी की तरफ से वीके सिंह को यहाँ पर खड़ा किया गया है जो कि बेहद ही मजबूत कैंडिडेट है। डॉली शर्मा का भी कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक जो इतिहास है वो नहीं रहा है, तो अब देखना ये होगा कि प्रियंका का जो करिश्मा है वो गाजियाबाद की इस लोकसभा सीट पर चलता है कि नहीं। ক্যামেরাম্যান সিকে সিং কে সাথ বরুণ জৈন, এবিপি নিউজ, গাজিয়াবাদ। আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন আপনারা দেখলেন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গাজিয়াবাদের রোড শো, একেবারে প্রিয়াঙ্কার সেই রোড শো উপচে পড়ছে জনতার ভিড় এবং মানুষজনকে উৎসাহ দিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সবার শুভেচ্ছা নিচ্ছেন এবং সকলের উদ্দেশ্যেই হাত নাড়ছেন। এখানকার কংগ্রেস প্রার্থী ডলি শর্মার সমর্থনে আজকে প্রচারে বেরিয়েছেন গাজিয়াবাদে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। গাজিয়াবাদে ভোট 11 এপ্রিল, উত্তরপ্রদেশে 80টির মধ্যে 8টি আসনে ভোট 11 এপ্রিল। গাজিয়াবাদে প্রার্থী ডলি শর্মার সমর্থনে আজকে প্রচারে বেরিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এই মুহূর্তে রোড শো করছেন তিনি, আর সেই রোড শোয়ে দেখছেন একেবারে ও জনতার ভিড় উপচে পড়েছে। এই রোড শো গিয়ে শেষ হবে মালিয়ালা চকে। আমরা এভাবেই দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই প্রচার করছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এইভাবে হুট খোলা গাড়িতে, কখনো গাড়ি থেকে নেমে পড়ছেন তিনি, গাড়ি থেকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন জনতার উদ্দেশ্যে। ভোট প্রচারে গাজিয়াবাদে প্রিয়াঙ্কা রোড শো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখানকার কংগ্রেস প্রার্থী অর্থাৎ গাজিয়াবাদের কংগ্রেস প্রার্থী ডলি শর্মার সমর্থনে আজকে প্রচারে বেরিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব পাওয়ার পর গাজিয়াবাদে রোড শো করছেন তিনি। মালিয়ারা চকে গিয়ে শেষ হবে এই রোড শো। প্রচুর মানুষের ভিড় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ফুল ছুড়ে দিচ্ছেন তারা প্রিয়াঙ্কার উদ্দেশ্যে এবং প্রার্থীর উদ্দেশ্যে তো অবশ্যই। কখনো তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ছেন, একেবারে জনতার মাঝে চলে যাচ্ছেন।
তাদের সঙ্গে হাতও মেলাচ্ছেন, তারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে। प्रियंका गांधी ने वेस्टर्न यूपी की गाजियाबाद सीट से कैंपेन क्यों शुरू किया, दरअसल यहां के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लेकिन कांग्रेस प्रियंका गांधी को उन सभी सीटों पर भेजना चाहती है, भले ही वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, जहां पार्टी के प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है या जीत सकता है। यानी गाजियाबाद की सीट पर पिछली बार राज बब्बर को टिकट दिया गया था, जो कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार डोली शर्मा को टिकट दी है। डोली शर्मा गाजियाबाद शहर के अध्यक्ष की बेटी हैं और कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद में ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। दरअसल आज की जो ये सीट की शुरुआत हुई है गाजियाबाद से, कल फतेहपुर जहां से राकेश सच्चान लड़ रहे हैं वो सीट कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो जीत सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद फतेहपुर सीकरी, शामली, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का गाजियाबाद से शुरुआत करना और डोली शर्मा के लिए गाजियाबाद से कैंपेन करना इस बात के संकेत है कि जहां जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है वहां उन प्रत्याशियों को और मजबूत किया जाए। यही एक बड़ा कारण यहाँ नजर आता है कि प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद से अपना कैंपेन शुरू किया है। कैमरामैन वीपी पांडे के साथ आदेश रावल, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। अपना देखते गाजियाबाद प्रार्थी समर्थन प्रचार कर प्रियंका गांधी, डाली शर्मा के प्रार्थी करेछे कांग्रेस एबार, कारण एखाने गतबार राजबब्बर पराजित हुएछिलेन। गाजियाबाद शहर जिला सभापति नरेंद्र भरद्वाजेर मेये डाली शर्मा तारी समर्थने प्रचार करछेन प्रियंका गांधी। मानुषेर उद्देश्ये हाथ नाड़ाच्छेन, एकेबारे कखनो गाड़ी थेके नेमे सरासरि मानुषेर काछे पौंछे जाच्छेन तिनि। এই মুহূর্তে গাজিয়াবাদের ছবিটা আমরা জানবো, কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি জ্ঞানেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে। জ্ঞানেন্দ্র, কিয়া নজারা মিল রা হ্যায় গাজিয়াবাদ কা? देखिए, प्रियंका गांधी के कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद कांग्रेस को लगातार इसका फायदा मिल रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक उन्होंने कई यात्राएं की, रोड शो किया, अयोध्या गई और फिर उसके बाद गंगा यात्रा, तमाम लखनऊ में जाके रोड शो किया, उसी तरह से आज गाजियाबाद में प्रियंका का रोड शो चल रहा है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जो सड़कों पर उतरी है। निश्चित रूप से जब प्रियंका रोड शो करती हैं तो बहुत ऐसी संख्या होती है जो उनसे उन्हें देखना चाहता है, उन्हें उनसे बात करना चाहता है, क्योंकि एक इंदिरा गांधी की जो झलक की बात है वो हमेशा से प्रियंका गांधी के अंदर दिखाई देती है और कई अवसरों पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वो रुकती हैं, कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, उन्हें बड़े आसानी से समझती हैं और सुनती हैं। तो इस तरह की जो बातचीत है कांग्रेस में वो लंबे समय के बाद किसी महिला नेत्री में इस तरह की बातचीत दिख रही है, इस वजह से गाजियाबाद में बहुत तादाद से भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रियंका को देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं और इस सीट में चूंकि वीके सिंह के खिलाफ कांग्रेस में मैदान में उतारा है इस प्रत्याशी को, तो जनरल वीके सिंह को हराना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी के रोड शो करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कैंडिडेट में एक ऊर्जा का संचार तो जरूर होगा। जी শুক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্র। আমরা দেখলাম এই একই ফাঁকে, মানে এরই ফাঁকে, প্রচারের ফাঁকে আবদারও মেটালেন জনতার, সেলফি তুলছেন প্রিয়াঙ্কা গাঁধী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। দেখতেই পাচ্ছেন সকলেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য কেমনভাবে উন্মুখ হয়ে পড়েছেন, ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং কারো কারো আবদারও মেটালেন এই রোড শো এর মধ্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।